नमस्कार दोस्तों, आओ सी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्रोशिया का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे आप कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, शॉल में, स्टॉल में, श्रग में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। देखिए, सामने से भी ऐसा है और रॉन्ग साइड से भी ये एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। इसे बनाने के लिए 13 के मल्टीपल में चेन बनाएंगे। मैंने 39 चेन बनाया है, आपको जितना चाहिए आप बना लें। उसके बाद एक बल लें और दो चेन छोड़ के तीसरे वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएं। उसके बाद प्रत्येक छेद में एक डबल क्रोशिया बनाएं। इस तरह हमको 11 डबल क्रोशिया बनाना होगा। ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह। फिर दो चेन बनाएंगे, फिर एक बल लेंगे और दो चेन छोड़ के तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे और जैसे हमने यहाँ बनाया है वैसे ही लगातार 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर दो चेन लेंगे और नीचे भी दो चेन छोड़ के तीसरे से लगातार हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बेस लाइन तैयार हो गया। यहाँ 11 डबल क्रोशिया बनाया है, फिर दो चेन बना के नीचे भी दो चेन छोड़ा है, फिर 11 डबल क्रोशिया। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे। फिर दो चेन बनाएंगे और इसे पलट देंगे। अब चार चेन और बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार। इस तरह यहाँ पे हमने छः चेन बनाया और अब एक, दो, तीन, चार, पांचवे में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दो चेन लेंगे और फिर छठे में एक सिंगल क्रोशिया। फिर चार चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, एक बल लेंगे और यहाँ पे जो हमने जगह छोड़ा है यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन। फिर चार चेन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, और पांचवें वाले में देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच। पांचवें वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया से इसको टक्कर लेंगे, फिर दो चेन बनाएंगे और फिर छठे वाले में एक सिंगल क्रोशिया। फिर चार चेन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, और अगले यहाँ पे छेद में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन। और फिर यही क्रम हम दोहराएंगे, यानी चार चेन बनाएंगे, पांचवें छेद में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन बनाएंगे और छठे छेद में एक सिंगल क्रोशिया, और फिर चार चेन लेंगे और फिर दो चेन एक्स्ट्रा, और लास्ट वाले में इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। अब दो चेन बनाएंगे और यहाँ पे पलटेंगे और यहाँ पे
दो डबल क्रोशिया, एक दो, दो, फिर चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार, और यहाँ जो हमने दो चेन बनाया था इस वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार, और फिर एक बल लेंगे और यहाँ पे जहाँ हमने तीन डबल क्रोशिया बनाया है तो उसके साइड में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दो, दो बनाने के बाद फिर बल लेंगे और इन तीनों पर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर जिस तरह हमने इधर इस साइड में दो डबल क्रोशिया बना है उसी तरह इस साइड भी दो डबल क्रोशिया और बना लेंगे। इस तरह यहाँ पे हमारे पास सात डबल क्रोशिया हो गए, नीचे तीन था और साइड में दो दो हमने बढ़ा दिया है। फिर चार चेन लेंगे और ये बीच वाले में हम इसे टक कर लेंगे, फिर चार चेन लेंगे, बल लेंगे और इन तीन डबल क्रोशिया के बाहर की तरफ दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो, और फिर इन तीनों पर एक एक बनाएंगे, एक दो तीन, और जैसे इधर दो बनाया है वैसे इस साइड में भी हम दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक दो। इस तरह यहाँ पे हमारा सात डबल क्रोशिया हो गया। फिर चार चेन लेंगे, एक दो तीन चार, और बीच वाले में हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर चार चेन लेंगे, एक दो तीन चार, और यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, फिर दो चेन लेंगे और इसे पलट देंगे। अब यहाँ पे हम इन दो डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया और दो डबल क्रोशिया इसके बाहर, एक दो, फिर दो चेन लेंगे, एक दो, और यहाँ हमने सात डबल क्रोशिया बनाया था तो इसके बाहर की तरफ दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और दो, और फिर इन सात डबल क्रोशिया पे सात डबल क्रोशिया बना लेंगे। और दो डबल क्रोशिया इस साइड बाहर की तरफ दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह टोटल ये 11 हो गए, यहाँ पे हमारा 11 टोटल हो गए। फिर दो चेन बनाएंगे और इन सात डबल क्रोशिया के बाहर की तरफ दो चेन, दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर इन सातों पर एक एक डबल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिया बाहर की तरफ, फिर दो चेन बनाएंगे और यहाँ पे इस साइड में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर इन दोनों के ऊपर भी दो डबल क्रोशिया। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा पहला लाइन है, 11 डबल क्रोशिया के बाद दो चेन, फिर 11 डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, यानी पहला लाइन। अब फिर हम दो चेन बनाएंगे और इसे पलट लेंगे, और फिर हम चार चेन बनाएंगे और एक बल लेंगे और इस जगह पे हम तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन, फिर चार चेन लेंगे और पांचवें वाले में हम एक दो तीन चार पांच, एक सिंगल क्रोशिया
बनाएंगे, फिर दो चेन लेंगे और छठे वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर चार चेन लेंगे और फिर इस जगह पे हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारा ये दूसरा वाला लाइन शुरू है। फिर चार चेन बनाएंगे, फिर पांचवें वाले में इसे टक कर लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर दो चेन बनाएंगे और इसे छठे वाले में टक कर लेंगे, फिर चार चेन, फिर बल लेंगे और यहाँ पे स्पेस पे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चार चेन बनाएंगे और यहाँ पे टक कर लेंगे, फिर चार चेन बनाएंगे, पलटेंगे और बाहर की तरफ तीन डबल क्रोशिया के बाहर की तरफ दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इन तीनों पर एक एक डबल क्रोशिया, और फिर दो डबल क्रोशिया बाहर की तरफ, फिर चार चेन लेंगे और यहाँ बीच वाले पे हम इसे टक कर लेंगे, फिर चार चेन लेंगे और इन तीन डबल क्रोशिया के बाहर की तरफ दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इन तीनों पर एक एक डबल क्रोशिया, और फिर दो डबल क्रोशिया बाहर की तरफ, फिर चार चेन लेंगे और ये बीच वाले में इसे टक कर लेंगे, फिर चार चेन लेंगे और फिर इन तीन डबल क्रोशिया के बाहर की तरफ दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इन तीनों पर एक एक डबल क्रोशिया और दो डबल क्रोशिया बाहर की तरफ, और फिर चार चेन लेंगे और यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर चार चेन लेंगे और यहाँ बाहर की तरफ दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इन सात पर एक एक डबल क्रोशिया और दो डबल क्रोशिया बाहर की तरफ, यानी यहाँ पे फिर 11 कंप्लीट हो गया। फिर दो चेन और फिर इन सात डबल क्रोशिया के बाहर की तरफ दो डबल क्रोशिया और फिर इन सात पे एक एक डबल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिया बाहर की तरफ। अब यहाँ पे हमारा 11 ये कंप्लीट हो गया, पहले तीन फिर सात फिर 11, तीन लाइन में ये 11 हो जा रहा है। फिर दो चेन, फिर दो बाहर की तरफ डबल क्रोशिया, फिर सात के ऊपर सात डबल क्रोशिया और दो डबल क्रोशिया बाहर की तरफ, यानी यहाँ पे फिर 11 हो गया और ये हमारा पहला लाइन। तो इन्हीं तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन बनके तैयार है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर पर बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।